हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में। जो घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर आता है, 1 किलो का पैकेट आता है, आधा किलो का पैकेट आता है, 3 किलो का पैकेट आता है और 4 किलो का पैकेट आता है। हर तरह के घड़ी डिटर्जेंट जो पाउडर आते हैं उनके हम होलसेल रेट के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें आपको कितने परसेंट का मार्जिन मिलता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वहीं पर हमारे पास साबुनें कुछ रखी हैं, जैसे डब साबुन हो गई, निरमा साबुन हो गई, लाइफ बॉय की साबुन हो गई, कई तरह के ऐसे साबुनें हैं जिनका हम थोक रेट बताएंगे, उनमें आपको कितने परसेंट का मार्जिन मिल जाता है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये हमारे सामने ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, जो कि ये 1 किलो का पैकेट आता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी MRP कुछ 59 रुपये रहती है। जी हाँ, इसकी MRP 59 रुपये है। और इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका पैकेट हमें 52 रुपये में मिल जाता है और इसे हम 60 रुपये में आसानी से बेचते हैं, जिसमें कि हमें हर पैकेट में 8 रुपये का मुनाफा आसानी से हो जाता है। चलिए बात करते हैं, ये आधा किलो का पैकेट आता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 31 रुपये रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका पैकेट हमें 25 रुपये में मिल जाता है, इसे हम 30 रुपये में बेचते हैं, जिसमें कि हमें हर पैकेट में 5 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं 3 किलो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, जो कि कुछ इस तरह का पैकेट आता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी MRP कुछ 186 रुपये रहती है। और इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका थोक रेट 160 रुपये रहता है और इसे हम 180 या 185 रुपये में बेचते हैं, जिसमें कि हमें 20 से 25 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। एक पैकेट में हमें 20 से 25 रुपये आसानी से बच जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, जो कि 4 किलो का पैकेट आता है। कुछ इस तरह का ये पैकेट रहता है, इतना बड़ा ये पैकेट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, इसमें एक बाल्टी फ्री आती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 290 रुपये रहती है और ये 4 किलो का डिटर्जेंट पाउडर है। और इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका थोक रेट 220 रुपये रहता है। जी हाँ, और इसमें 50 रुपये बाल्टी का भी जुड़ जाता है, तो इसमें टोटल मिला के ये हमें 270 रुपये में मिल जाता है और इसे हम 290 रुपये में बेचते हैं, जिसमें कि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है सर्फ एक्सल का डिटर्जेंट पाउडर, जो कि आधा किलो का ये पैकेट रहता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसकी MRP कुछ 60 रुपये रहती है। इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका थोक रेट 54 रुपये रहता है। जी हाँ, इसका थोक रेट 54 रुपये रहता है और इसे हम 60 रुपये में बेचते हैं, 60 रुपये इसकी MRP रहती है, जिसमें कि हमें हर पैकेट में 6 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं साबुन के बारे में और उनका आपको थोक रेट बताते हैं, उनमें आपको कितने परसेंट का मार्जिन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई तरह की साबुनें रखी हुई हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये No.1 साबुन रखी हुई है, निरमा साबुन रखी हुई है, ये पियर्स की साबुन रखी हुई है, कई तरह की यहाँ पे साबुनें रखी हुई हैं। तो चलिए बात करते हैं निरमा साबुन के बारे में, जो कि देख सकते हैं आप, ये निरमा साबुन है जिसकी MRP 100 रुपये हो चुकी है। जी हाँ, इसका रेट बढ़ चुका है और इसमें 5 साबुनें रहती हैं। इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो ये हमें 90 रुपये का ये पैकेट मिल जाता है, जिसमें कि 5 साबुन रहती हैं और इसे हम 20 रुपये में बेचते हैं, जिसमें कि हमें 10 रुपये का फ़ायदा आसानी से हो जाता है। और जो इसकी पुरानी साबुन आती थी, उसकी MRP 90 रुपये रहती थी और उसका पैकेट हमें 85 रुपये में मिल जाता था। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं पियर्स साबुन के बारे में। ये जो पियर्स की साबुन आती है, कुछ इस तरह का ये डिब्बा रहता है और इसमें टोटल 4 साबुनें रहती हैं, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की ये साबुन रहती है, ये इतनी छोटी इसकी साबुन रहती है पियर्स की। और इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसकी एक साबुन हमें 30 रुपये में मिल जाती है, इसमें 4 साबुन है तो इसका डिब्बा हमें 120 रुपये में मिलता है, जिसे हम 35 रुपये की आप ये एक साबुन बेच सकते हैं, जिसमें आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हर साबुन में होगा। और ये डब साबुन है, जो कि बाथिंग बार है और ये 50 ग्राम की रहती है और इसकी MRP कुछ 24 रुपये रहती है। इसके थोक रेट के बारे में बात करें तो इसका थोक रेट 21 रुपये रहता है और इसे हम 24 रुपये प्रिंट में बेचते हैं, 24 या 25 रुपये में बेचते हैं, जिसमें कि हमें 3 से 4 रुपये आसानी से बच जाते हैं। और यहीं पे बात करें लाइफ बॉय साबुन के बारे में, जो ये 10 रुपये की साबुन आती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसमें 4 साबुन रहती हैं। और इसके थोक रेट की बात करें तो
इसकी 12 साबुनें हमें 108 रुपए में मिल जाती हैं। जी हाँ, इसकी 12 साबुनें हमें 108 रुपए में मिल जाती हैं। इसे हम 10 रुपए में बेचते हैं। यदि आप इसे पूरा कार्टून में लेना चाहते हैं इकट्ठा, तो उसमें आपको 8.5 रुपए में मिल जाएगी आसानी से, जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और दोस्तों, जो नई नई साबुनें आई हैं उनमें हर साबुन में MRP बढ़ चुके हैं, उनका रेट बढ़ चुका है। जो पुराने साबुनें थी उनमें वो साबुनें 25 रुपए में मिल जाती थी, लेकिन ये साबुन को आप 30 रुपए से कम नहीं बेच सकते हैं। इसे आप 30 रुपए में ही बेचेंगे तभी इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, 1-2% का मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि ये साबुनें अब लगभग 27 रुपए की ये आपको खरीद आ रही है। ये संतूर साबुन है, बड़ी वाली ये साबुन आती है, लगभग ये 27 रुपए की खरीद है। आपको 27 रुपए की एक साबुन पड़ेगी, इसे आपको 30 रुपए की बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर किराना से रिलेटेड थोक रेट आपको बताते रहते हैं, उनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है इस चैनल पर हम बताते रहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच देखने के लिए।